प्रेगनेंसी हर महिला के जीवन का एक ऐसा खूबसूरत लम्हा होता है जिसे हर गर्भवती महिला बहुत सारी परेशानियों के साथ और नए मेहमान की आने की खुशी के साथ इस प्रेगनेंसी काल को एंजॉय करती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना अच्छे से ख्याल रखने की सलाह दी जाती है और गर्भवती महिलाएं खुद से भी अपना अच्छे से ख्याल रखती हैं। और आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं या फिर आपके जो शुभ चिंतक हैं आपको ऐसी बातें बताते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। आज मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी में केला खाना क्यों ज़रूरी है, केला खाने से गर्भस्थ शिशु को क्या होता है, गर्भावस्था में केले का सेवन करने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, प्रेगनेंसी में केला खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या केला खाने से प्रेगनेंसी में कोई नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें प्रेग्नेंट महिला को ऐसा लगता है कि इन्हें खाने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो चीज़ें आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं तो इससे प्रेगनेंसी में इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको केले के फ़ायदों के बारे में पता लगेगा तो यकीन मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन साथ ही केला खाते समय गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, वरना फायदे की जगह भयंकर नुकसान हो सकता है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे और साथ ही बताएंगे गर्भवती महिलाओं को एक दिन में कितने केले खाने चाहिए। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपको इस चैनल में मिलेगी केवल और केवल प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेरों वीडियो जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। केला खाने का सबसे बड़ा फायदा है इसमें मौजूद फॉलिक एसिड। आपको पता ही होगा जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है ताकि शिशु के दिमाग का उचित विकास हो सके, साथ ही साथ उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो पाए। फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ फॉलिक एसिड की कमी से स्पाइना बिफिडा नामक बीमारी हो सकती है। यह एक रीढ़ की हड्डी का दोष होता है और कोई भी गर्भवती महिला नहीं चाहेगी कि उसके शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी का जन्म दोष हो। तो ऐसे में केले में फॉलिक एसिड की प्रचुर मात्रा होने के कारण गर्भावस्था में इसका सेवन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गर्भस्थ शिशु का वजन बढ़ाने के लिए, जिन गर्भवती महिलाओं का वजन कम है या फिर उनके गर्भ में शिशु कमज़ोर है, जो कि आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके आपको पहले ही बता देंगे, तो ऐसे हालात में केला वजन बढ़ाने के लिए 100% एक रामबाण उपाय है। वजन बढ़ाने के लिए नॉर्मल केला खाने की बजाय आप बनाना शेक पिए। बनाना शेक पीने से आपके शिशु का वजन हफ्तों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर गर्भवती महिला भी कमज़ोर है तो उसका वजन भी बढ़ने लगेगा। कब्ज के लिए रामबाण उपाय। केला खाने से गर्भवती महिलाओं की बॉल मूवमेंट बेहतर होती है यानी उनको कब्ज नहीं होती। केले में फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसे रोजाना खाने से लेक्सेटिव प्रभाव दिखता है जिससे कब्ज दूर होती है, पाचन प्रणाली बेहतर बनती है, लीवर अच्छे से काम करता है और गर्भवती महिलाओं का पेट स्वस्थ बना रहता है। पैरों के क्रैम्प्स में राहत देता है। गर्भवती महिलाओं को क्रैम्प्स यानी ऐंठन आना आम समस्या है, खासकर गर्भवती महिलाओं के पैरों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स होती हैं और इनको साधारण भाषा में नस चढ़ जाना कहते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले केले का सेवन करती हैं तो केले में मौजूद पोटाशियम मांसपेशियों और नसों को मजबूत करता है, इससे मांसपेशियों में ऐंठन से राहत मिलती है, यूरिन इन्फेक्शन को दूर करता है। गर्भावस्था में अक्सर 99% गर्भवती महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI इन्फेक्शन हो जाती है और यूरिन इन्फेक्शन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इससे कई बार गर्भपात भी हो सकता है। तो ऐसे में केले में मौजूद विटामिन B6 और पोटाशियम मूत्रवर्धक होते हैं, यह यूरिन इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और साथ ही साथ इन्फेक्शन को दूर करते हैं, इसलिए केले का सेवन करना यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए फायदेमंद। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी और मतली जैसी समस्या
आम होती है, तो ऐसे में केला खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। केले का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं का मूड फ्रेश बना रहता है, खून की कमी को दूर करता है। शरीर में आयरन की कमी के कारण गर्भावस्था में खून की कमी हो सकती है, ऐसे में केले का सेवन करना लाभकारी होता है, क्योंकि केले में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और आयरन खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को खून की कमी नहीं होती केला खाने से। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर केला एक ऐसा फल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है और शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और गर्भावस्था में कार्बोहाइड्रेट गर्भवती महिला और शिशु के विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे गर्भावस्था में एक दिन में गर्भवती महिलाएं कितने केले खा सकती हैं। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं रोजाना 2 से 3 मध्यम आकार के केले खा सकती हैं। इससे ज्यादा केले का सेवन ना करें और सर्दियों को खासकर रात को केला खाने से बचें। हालांकि आप सुबह खाली पेट भी केले का सेवन कर सकती हैं, दिन में भी केले का सेवन कर सकती हैं और रात को बनाना शेक बनाकर पी सकती हैं, इससे काफ़ी फायदे होंगे। केला खाते समय गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, वरना फायदे की जगह भयंकर नुकसान हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा पका हुआ केला, जिसको चित्तीदार केला भी कहा जाता है, तो ऐसा केला खाने से बचें। और जब भी आप केला खरीदें तो हमेशा फ्रेश केला होना चाहिए, ज़्यादा नरम ज़्यादा सॉफ्ट केला गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही कच्चा केला खाने की गर्भावस्था में सलाह नहीं दी जाती, इसमें गर्भावस्था में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं, यानी समय से पहले लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, समय से पहले शिशु जन्म ले सकता है, इसलिए कच्चा केला खाने से बचें। केले में पोटाशियम ज़्यादा होता है और ज़्यादा मात्रा में केले का सेवन करने से शरीर में पोटाशियम बढ़ जाता है, जो कि सही नहीं है। यहाँ मैं आपको ज़्यादा मात्रा में केले का सेवन करने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी हैं, तो ऐसे में ज़्यादा केले का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना गर्भवती महिलाओं का वजन ज़रूर से ज़्यादा बढ़ सकता है। और जिन गर्भवती महिलाओं को मधुमेह की शिकायत है, यानी उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन गर्भवती महिलाओं को भी केले का सेवन करने से बचना चाहिए। या फिर अगर आप केले का सेवन करना चाहती हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी मन में कन्फ्यूजन हो, हमेशा अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। पूछने में क्या जाता है, पूछें जरूर, ताकि आपके मन में जो भी संदेह हैं, जो भी आपके सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब आपको मिल सके। कोई भी मन में बात अपने ना रखें, हमेशा अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से खुल के बात करें, क्योंकि प्रेगनेंसी काफ़ी एक नाजुक दौर है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके शिशु के लिए और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।